देखो बात ये है कि स्कूल के लिए जो खतीर रकम मंजूर हुई थी वो कहाँ गई? वो तुम खुद हड़प कर गए। तुम्हारे जैसे हजारों भाई बहन और भी हैं जिन्होंने बेकार सी कथा अराजी देकर सरकार से मोटी मोटी रकम ऐंठ रखी है। मजबूरी है। अब एक मत शाह, मैं जिम्मा लेता हूँ। इस चीज का जिम्मा? उस जमीन पर स्कूल की बेहतरीन इमारत तामीर होगी और स्कूल टेप रिकॉर्डर पर नहीं चलेगा। वादा? पक्का वादा। बेबी मोटरसाइकिल है, मैंने खरीद ली है। हाँ खरीदी है? हाँ। कैसे खरीदी है? जिस तरह लोग खरीदते हैं, पैसे देकर खरीदी है। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ थे? बस बेबी यूं समझो कि मुफ्त में मिल गई। मुफ्त में मिल गई? हाँ ना, वो कर्ज की चीज तो मुफ्त ही होती है ना। अगले साल इंशाल्लाह जब गन्नों की फसल की रकम मिलेगी ना तो तेरे मैं इसके पैसे दूंगे। हाँ देखो जरवली, ये कर्ज माज ठीक नहीं होता। ओहो बेबे, कुछ तो हमें भी करने देना अपनी मर्जी से। यार ना मैं पूछती हूँ, दादी से इजाजत लिए? हाँ, अब सांस लेने की भी दादी से इजाजत लेंगे। ठीक तो है ना बेटा, तुम्हें अपने दादी की आदत का पता है, वो तो बाल की खाल उतारते हैं। अब तैयार हो जाओ उनके सवालों के जवाब देने के लिए। हाँ बेबे, मैं उसे बताऊंगा ही नहीं। हाँ लो और सुनो। अरे बेटा ये कंघी तो नहीं है ना कि तुम जेब में छुपाए फिरोगे? ओहो खुदा की कसम, अगर उनकी इस पर नजर भी पड़ने दी। बस आप लोग जरा अपना मुंह बंद रखें। बस वो खाने वो रजाई कहाँ है? लाओ सर रजाई। रजाई? हाँ 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 रजाई, इस मोटरसाइकिल पर डालनी है दाजी से छुपाने के लिए। अगर ऐसा ही डर था तो दाजी से पहले पूछ लेते। पूछ लूंगा बेबे, पूछ ही लूंगा। हाँ और ये रखोगे कहाँ खटारा? ये कखेरी बड़े कमरे में। हाँ और बेबे, जब इंशाल्लाह हम रात को दाजी के साथ खाना वाना खाएंगे ना और मैं उनके पांव दबाने लगूं तो बस फिर तरीके से समझा दूंगा। यार ना ये बात बेटा तो अजीब मखलूक है सब। इस आवल से मेरी खातिर धंधा साला क्यों कुछ काम था मुझसे? ये क्या आंख मछोली खेल रहे हो? बात सुनो। जी दाजी। वो मैंने तरबूज का कहा था, कहीं से ले आए? दाजी अब तो सर्दी का मौसम आ गया है, इन दिनों तरबूज कहाँ मिलते हैं जी? एक तो जब इंसान दोपहर को खाना न खाए ना बड़ी सर्दी लगती है। क्या सच कहता हूँ? मैंने बख्ता घूर घूर कर क्यों देख रहे हो मुझे? देख तो दाजी आप खाते भी हैं और याद भी नहीं रहता आपको। हाँ क्या कहा? दाजी कुछ नहीं, कोई बात। वो दोपहर को हम इकट्ठा खाना कहते हैं सबने, उसमें जर्दा था, पुलाव था, भुना गोश्त था और सरसों का साग भी था। चलो बस ठीक है, हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। बात सुने जरा जो पाँव दो बात होने बस्ता, बहुत दर्द हो रहा है पाँव में, इधर आ जाओ। एक तो चापी मालिश का माहिर मैं ही रह गया हूँ इस घर में। क्या कहा? कुछ भी नहीं दादी, वरना कमी से भेज अभी दबाता हूँ आपके पास। आखिर बेटा किसका हूँ दादी? अरे तुम तो अपनी जवानी के जोश में हो, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ।
क्यों मेरी हड्डियां तोड़ते हो निकबख्ता? आपने खुद ही तो कहा था पांव दबाने को, दाजी मैं क्या करूं? पांव दबाने को कहा था, फूटने को नहीं कहा था मैंने। कहां चल पड़े? जाता हूं कहीं कमर सीधी करने के लिए। बात सुनो बेटे मेरी, बात सुनो, मेरे कंधों पर एक दो हाथ रखो, फिर जाओ जहां मर्जी है जाओ, फिर ऐश करो, इधर आ जाओ। शाबाश, ठीक है दाजी, लेकिन चीखोगे नहीं? हाँ, तुम भी हल नहीं चलाओगे, समझ गए? बताए देता हूँ। बस ठीक है दाजी। दाजी ना बैठे, मजा आ रहा है दाजी ने? बहुत मजा आ रहा है ईमान से। वाह वाह वाह, आज एक आदमी ने हकीम का पता दिया है। वो किस लिए दाजी? वो बहुत फिक्र है ना मुझे तुम्हारी। दाजी वो आपने मुश्तरी जहर का संगम होने ही नहीं दिया। अच्छा तो ये बात है, बड़े सादा आदमी हो दरो जी। दबा। अच्छा माँ। जी बेटा। दाजी ने तो फिर भी वो शुरू कर रखी है। क्या कहा? आओ खुद सुन लो, बड़े कमरे में पड़े दर्द से करा रहे हैं। कितनी बार मैंने बेबी को समझाया कि दाजी को खाना दो, मगर हिसाब किताब से। दोपहर को फिर क्या कुछ खाया है? तुम सब इकट्ठे तो दस्तरखान पे बैठे थे। दो डोंगे भुने हुए गोश्त के मेरे सामने खाली किए थे दाजी ने, और दो काक चावलों के और जर्दे की प्लेट अलग। लस्सी वाला जग तो मैंने छुपा दिया था, वरना दाजी तो वो भी पूछ रहे थे। हे दाजी, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। दाजी आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन खुदा की कसम मेरे हाथ थक गए दाजी। बख्त तुम कैसे जवान हो, मैं अपने बाप के पूरे दो दिन तक पांव दबाता रहा हूँ और थकने का नाम तक नहीं लिया। छोड़ो निकबख्त को। दाजी आपने या दादाजी ने? अच्छा दाजी मैं भी ठीक कर दूंगा तुम्हें। शाबाली, तुम तो कह रहे थे कि मेरे दाजी बिस्तर पे पड़े दर्द से करा रहे, यहाँ तो वो कुश्ती लड़ रहे। माँ मैंने तो दाजी की फरियाद खुद सुनी है। पता है मुझे, तुम माँ बेटे ये चाहते हो कि मैं हर वक्त चारपाई पर पड़ा रहूं और कराहता रहूं। ए हटो, खुदा के लिए क्यों ऐसी बातें करते हो? ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है शाने, बेगनों का भुर्ता बना दिया है या नहीं ये बात करो। भुर्ता खा के एक दिन खुद भुर्ता बन जाओगे, बता दी देती हूँ। हाँ मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे तुम लोग मुझे भूखा मारना चाहते हो। आओ बेटे चले, हमें और भी बहुत से काम करने हैं। हाँ उजा उसे उसे नेक बख्त हो। याद है कैसा वो जी? सीधा जी वो रजाई मेरे पांव पर डाल दो। अच्छा दाजी वो रजाई की अब क्या जरूरत पड़ गई है? जब इंसान को सर्दी लगती है ना तो रजाई की जरूरत पड़ती है, समझ गए? दाजी ख्वामखा अभी सर्दी कहाँ है दाजी, ये तो गुलाबी जाड़े हैं। हटो सामने से लाला, दाजी बूढ़े आदमी है, उन्हें सर्दी लग रही होगी। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है रजाई वजाई की। अजीब आदमी हो। याद है क्या, ये रजाई मैं उड़ना चाहता हूँ या तुम? वो दाजी वो दिन में रजाई उड़ना अच्छी बात नहीं है, बदशकूनी होती है। लाला ये तुम क्या इधर उधर की हांक रहे हो यार? ये मेरी रजाई तुम लोगों ने किस चीज पर डाल रखी है? दाजी ये बकरी है, बकरी है, जुकाम लगा है उसे,